नमस्कार, मैं फ़हीम अहमद, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त जो है हुसैनगंज के उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर जेपी ट्रेडिंग ट्रेड सेंटर पर मौजूद है। यहाँ पर जो है दिल्ली मुंबई में लोग जाकर लाइन लगाकर बाहर देश जाने का काम कराते हैं, जैसे दुबई, सऊदी, मस्कत, ईरान, हर जगह जो है अपने अपने ऑफिस से जाते हैं, जाकर काम कराते हैं। काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ता है उनको दिल्ली मुंबई में जाकर। वहाँ पर जो है एजेंट काफ़ी लोगों का पैसा लेकर भाग भी जाता है। और यहाँ पर हुसैनगंज गाँव में जेपी यादव के तहत जो है काफ़ी आसानी से लोग जो है अपने बाहर गांव का सऊदी और मकसद का काम करा लेते हैं और कराकर जाकर अपने रोज़गार का पैसा कमाते हैं। मैं इन लोगों से भी पूछता हूँ कि काफ़ी आप लोग जो है कैसे यहाँ पर आए हैं, किस काम के लिए आए हैं? जी सर, हम लोग अपना काम कराने के लिए आए हैं जेपी यादव के पास। हम लोग इन पर विश्वास रखते हैं कि जो भी काम है इनका पास साफ़ सुथरा काम है, इन पर सभी लोग विश्वास करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ। और मैं इसी के लेकर यहाँ पर आया हूँ कि मान लीजिए कि जेपी यादव के पास मान लीजिए कि मस्कट के लिए वांट आया हुआ है, यहाँ विश्वास है कि यहाँ हमारा काम सही ढंग से हो जाएगा, पैसा चोरी बजारी। इस काम के लिए तो आप लोग जो है दिल्ली और मुंबई में जाते थे, वहाँ पर जाकर ऑफिसों में लाइन लगाते थे, वहाँ एजेंटों से संपर्क करते थे। यहाँ पर आपको किस तरह की सुविधा मिलती है? यहाँ पर सर ये सुविधा है कि हमारे नज़दीकी है और हम दिल्ली और मुंबई भाड़ा लगा कर जाएंगे, वहाँ क्या होगा, वहाँ का पैसा एजेंट क्या करेगा, मारेगा कि क्या करेगा, ये तो हमारे गांव के आसपास के हैं, इन पर पूरा विश्वास है कि ये काम जो भी करते हैं अच्छा ढंग से तरीके से करते हैं। काफ़ी दिनों से ये है और यहाँ पर कोई धोखाधड़ी का काम नहीं है? नहीं सर, यहाँ कोई धोखाधड़ी। यहाँ पर काफ़ी लोग मिले, आप बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने काम के लिए आते हैं और ईमानदारी के साथ यहाँ पर काम होता है और लोग जो है अपना अपना काम कराते होते हैं। मैं इनसे भी पूछता हूँ कि आप भी यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? हम भी आए हैं अपने काम कराने के लिए। अच्छा, और किस जॉब के लिए हैं? हम प्लम्बर के लिए आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जेपी यादव काफ़ी आराम से मतलब काम करा देते हैं? बहुत अच्छे से काम कराते हैं। और भी भाई लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से फरीदपुर मठिया से आए हैं। यहाँ हर काम अच्छी तरह से होता है और यहाँ कोई लूटपाट नहीं है, उस तरह की कोई बात नहीं है, यहाँ विश्वास है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओमान के लिए कोई वांट आया है और काफ़ी तादाद में लोग, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि लोगों को दिखाएं जो है कि लोग यहाँ पर जो है आए हुए हैं और आकर अपने अपने काम के बारी के इंतज़ार में कि मेरा क्लाइंट और मेरे इंटरव्यू चले। मैं कुछ लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो किस लेते हैं। भाई, आप जो है यहाँ पर आए हैं ओमान के लिए जो है काम चल रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए और किस लिए आए? क्या नाम है आपका? नौशाद। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इंटरव्यू देने के लिए। तो ये काम के लिए तो आप दिल्ली मुंबई भी जाया करते हैं? जब घर पे हो रहा है तो क्यों जाएंगे दिल्ली बॉम्बे, जब यहाँ पे हो रहा है तो दिल्ली बॉम्बे क्यों जाएंगे? मतलब कि दिल्ली बॉम्बे में जो जाकर परेशानी होती थी वो चीज़ से आप लोग निजात पाए और यहाँ काफ़ी आराम से जो है काम हो जाता है। और सारे लोग जान पहचान के दिल्ली बॉम्बे जाते हैं तो अनजान लोग हैं, फ्रॉड भी होता है, यहाँ पर तो सब जान रहे हैं, पुराने आदमी हैं जेपी यादव। देख, काफ़ी ईमानदारी से लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो अपना सीवी भर रहे हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आया और किस तरह से आया, कैसे लोगों को आपको पता चला कि यहाँ पर ईमानदारी के साथ काम किया जाता है? ये तो मेरे दोस्त लोग बहुत से बोले थे कि यहाँ पर काम होता है, तो मैं इसीलिए आ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एजाज हुआ। आप कहाँ से आए? हम तो पटना से आए। आप देख सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से भी लोग चलकर यहाँ पर जो है आए, हुसैनगंज में आए और अपना काम कराने के लिए हैं। अब देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। एक भाई साहब, आपका क्या नाम है? पिंटू कुमार। पिंटू जी, आप यहाँ पर किस काम के लिए हैं? इंटरव्यू देने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? सिंगारपट्टी। वैसे ही बहुत से हज़ारों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और काम कर रहे हैं कि यहाँ पर ईमानदारी का, जिस काम के लिए मुझे दिल्ली मुंबई जाना पड़ेगा उससे निजात है। वहाँ पर इन लोगों को इस बात का डर सता कि पता नहीं काम होगा नहीं होगा, अगर एजेंट पैसा लिया तो लेकर भाग भी सकता, ये चीज़ से जो है इनको निजात मिल रही है कि यहाँ जेपी यादव जो है काफ़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, कम पैसे में जो है बाहर भेजते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गाँव में रहकर जो है ये काम उन लोगों ने अंजाम दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेपी ट्रेनिंग और ट्रेड सेंटर के मालिक जेपी यादव के साहब के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर यह यहाँ पर ये ट्रेड सेंटर खोलने का कैसे उनके मन में ख्याल आया? जेपी जी, आपके दिल में ये कैसे ख्याल आया कि ये ट्रेड सेंटर, जैसे दिल्ली मुंबई में जाकर लोग काम कराते थे, तो ये आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि अपने गाँव में इसको खोला जाए? हम लोग पहले बम्बई जाते थे 40-50 आदमी लेकर, मालूम पड़ता था कि किसी का वहाँ पर काम नहीं हो रहा है,
है। धक्का मुक्की होता था, पासपोर्ट किसी का भींग जाता था, कहीं नहीं खाने का ठीक था, नहीं रहने का ठीक था। इसलिए हम सोचे कि अपने गांव में ही हम कुछ करके और एक सेंटर खोलेंगे और यहां इंटरव्यू हम कराएंगे, लड़का लोग को यहां से हम मतलब विदेश भेजेंगे, है ना। तो दुबई, कतर, सऊदी, मस्कट, बहरीन, जहाँ भी है किसी भी कंट्री का काम जो है हम कराते हैं, है ना। POE हम लोग का सरकार देता है वहाँ, भारत सरकार, उस अनुसार से हम लोग जो है अपना इंटरव्यू कराते हैं, ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि CV सिलेक्शन और या क्लाइंट इंटरव्यू भी होता है? CV सिलेक्शन भी होता है और क्लाइंट इंटरव्यू होता है, ज़्यादातर क्लाइंट इंटरव्यू ही होता है। इसलिए कि लड़का लोग पूछता है कि क्लाइंट इंटरव्यू है कि CV सिलेक्शन है। CV सिलेक्शन में ज़्यादा लोग धोखाबाजी करते हैं, है ना, लेकिन हम लोग ज़्यादा क्लाइंट इंटरव्यू ही करते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि हमको लगता है कि काफ़ी तादाद में जिस तरह से लोग यहाँ दिख रहे हैं, तो हमको लगता है कि छपरा, गोपालगंज, सिवान, यहाँ तक कि मैंने कुछ लोगों से बात की तो पटना से भी लोग यहाँ पर आकर जो है आपके पास कहते हैं। हमारे पास भोजपुर, बक्सर, मलियाबाग, वैशाली ज़िला, मुजफ्फरपुर, है ना, और गोपालगंज से भी लोग, और देवरिया, गोरखपुर से भी लोग हमारे यहाँ भी आते हैं काम कराने के लिए। अभी बाराबंकी से भी लोग आते हैं। जो भी यहाँ आएगा उसका हम लोग काम सुरक्षित करते हैं, नहीं किसी का पैसा लूटते हैं, नहीं कुछ, जो होगा हम लोग को उसको भेज देना है, ईमानदारी से भेजते हैं, उसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं होता है। तो ये तो बड़ी अच्छी सोच है आपकी कि मतलब कि जो लोग इसी काम के लिए मुंबई, दिल्ली जाकर धक्का खाते थे, काफ़ी पैसा का बर्बादी होती थी, और कभी कभी सुनने में आता था कि एजेंट उनका काफ़ी पैसा लेकर भाग गया है, तो ये चीज़ जिससे जो है यहाँ मुक्ति मिली और लोग आराम से, यहाँ बहुत मुक्ति मिला, एक दूसरे को अगल बगल में लोग जानते हैं, ये हमारे इलाके के भी लोग हैं, काफ़ी दिन से जो हम काम करते हैं आज तक हमारे हम लोग पे कोई धब्बा नहीं हुआ कि कोई कह दे कि हमारा ये फंस गया, वो फंस गया, आज तक कोई ऐसा कंप्लेन नहीं हुआ हम लोग के ऊपर, हम लोग अपना ईमानदारी से काम करते हैं। तो बड़ी अच्छी सोच है, जैसा कि आप देख रहे थे कि JP यादव से मेरी बातचीत जो हो रही थी कि जो लोग इनके मन में ये आया कि जैसे बारिश में या ऐसे भी गांव के जो सीधे साधे लोग हैं वो जो है दिल्ली और मुंबई में जाकर धक्का खाते थे, उनका काम नहीं हो पाता था, अगर होता था तो एजेंट भी परेशान करता था और एजेंट काफ़ी पैसा लिया करता था, यहाँ पर ये ईमानदारी के तहत, JP यादव का मतलब ईमानदारी, एक ईमानदारी के साथ जो है यहाँ पर काम करना इनकी सोच, और काफ़ी डेवलप किए हुए हैं यहाँ पर, और काफ़ी लोगों को जो है सऊदी, मस्कत, ओमान, दुबई, सारी जगहों पर भेज रहे हैं, अपने रोज़गार चलाकर अपने घर का परिवार चला रहे हैं लोग। ये एक अच्छी सोच है JP यादव की, उसी के तहत यहाँ पर ये काम करते हैं।